नमस्कार, मैं निकिता वाग्दे स्टार एपिक्स न्यूज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का हमारा सेगमेंट है स्टोरी टेलिंग। इस स्टोरी टेलिंग में मैं आपको जिंदगी से जुड़ी कुछ कहानियां बताने वाली हूँ। अपने 70वें जन्मदिन पर इस अम्मा ने अपनी सारी संपत्ति अपने चारों बेटों में बांट दी और सबके घर तीन तीन महीना रुकेंगे ये ऐलान भी कर दिया। पहले तो उनके सारे बेटे उनका बड़ा देखभाल करते, उनसे प्यार करते, लेकिन धीरे धीरे मानो अम्मा की जरूरत कहीं कम से होने लगी थी, जिसकी वजह से अम्मा उदास रहती थी। एक दिन उनके एक बेटे के घर उनके एक दोस्त मिलने आई। दोस्त ने सारी बातें सुनी, अपने और से सलाह दी, गले लगाया और चलती बनी। एक दिन सूरज ढलने के समय अम्मा कहीं से दौड़ते हुए आ रही थी। उनके हाथ में संदूक था, हाथ में एक डब्बा था और संदूक पे पुराना सा बड़ा सा ताला लगा हुआ था। बेटे ने पूछा कि अम्मा इसमें क्या है, तो अम्मा ने बोला इसमें वो चीज है जो हमारी सारी जिंदगी बदल सकती है, लेकिन इसमें क्या है वो तो मेरे मरने के बाद ही पता चलेगा। अब इस बेटे से तो रहा नहीं गया, उसने ये सारी बातें अपने तीनों बेटों को सुनाई। फिर क्या था, बेटों के साथ बहुएं भी अम्मा की देखभाल में, अम्मा का ख्याल रखने में, अम्मा से प्यार करने में, अम्मा के साथ लगाव करने में जुट गई। धीरे धीरे जिंदगी के 10 साल बीत गए। अम्मा को ये सारी बातें बहुत पसंद आ रही थी। एक दिन अम्मा तो गुजर गई, उनकी एक दोस्त आई। दोस्त ने संदूक की चाबी उनके सबसे बड़े बेटे के पास दी और फिर क्या था, वो फोटो, अम्मा का प्यार, अम्मा का वो दिखावा सब छोड़कर सारे भागे संदूक की तरफ। संदूक खोल के देखा तो उसमें कंकड़ और पत्थर। सबने एक दूसरे से कहा, अरे नीचे देखो, नीचे होगा खजाना। खजाना तो मिला नहीं, लेकिन अम्मा की एक चिट्ठी जरूर मिली जिसमें लिखा हुआ था कि बड़ा अफसोस हो रहा है, पैसों के इर्द गिर्द घूमते तुम्हारी सारी जिंदगी, पैसों के लिए ही मेरा ख्याल रखा था ना, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि तुम्हारा ख्याल पाने के लिए, तुम्हारा प्यार पाने के लिए मैंने एक गंदा मजाक किया। आज तुम नहीं हारे हो, आज मैं हारी हूँ। जनाब कितनी भी ट्यूशन की फीस दे दो, लेकिन अम्मा से बड़ा कोई स्कूल नहीं होता। और उन्होंने एक चीज कही अपने बेटों से कि अगर अपनी सोच बदल सकते हो तो जरूर कर लो। कीप वॉचिंग स्टार एपिक्स न्यूज, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।